हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ पे शादी थी और रूम में एकदम अंधेरा हो रखा है बिकॉज़ लाइट नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 1:05, अरमान की स्कूल की छुट्टी होगी 2 बजे, तो उसके पापा लेके आ जाएंगे उसको। और अभी मैं जा रही हूँ लंच के लिए कुछ बनाने, तो चलिए फिर आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी मैं कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और आलू की जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। आप लोग प्लीज़ अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आटा मैंने चाल लिया है, इसमें मैंने सूजी डाली है थोड़ी सी और आटा है। मैं नमक डाल रही हूँ, अजवाइन, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें मिक्स कर ली है, अच्छे से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी उबले हुए आलू थोड़े से। और किचन में लाइट नहीं है तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। ये रहे उबले हुए आलू हैं, इसको आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और धनिया की पत्ती बिना कद्दूकस किए हुए भी डाल सकते हैं, अच्छे से मैश कर लें बस। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से आटा गूंदने के बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा गूंद लिया है और आटा थोड़ा टाइट ही गूंदा है मैंने, क्योंकि आटा जब टाइट रहता है तो पूड़ी बहुत अच्छी बनती हैं। और जो घी या तेल हम जो यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत मतलब कम लगता है घी और तेल। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और आज लाइट नहीं है तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, थोड़ा रसोई में जो है अंधेरा है, पता नहीं क्यों आज लाइट चली गई है। शायद आज ना बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद इसी वजह से लाइट चली गई है। तो चलिए फिर, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, हल्दी थोड़ी सी और गरम मसाला, वो भी मैंने डाल दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं और भी मतलब टेस्टी बनाने के लिए इसको, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करती हूँ। तो तेल जो है वो गर्म हो गया है और अब मैं इसमें जा रही हूँ पूड़ी डालने। और ये पूड़ियाँ बनाने के लिए थोड़ा सा लोई जो है वो बड़ी ही लेना, ये पूड़ियाँ थोड़ी सी मोटी रहती हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तेल जब पूरा गर्म हो जाए तो गैस थोड़ा सा कम कर देना, नहीं तो ये ऊपर से हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए कैसे फूल गई हैं ये पूड़ियाँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना और आप लोग इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे।
और इसी तरीके से मैं अपनी सारी पूड़ियाँ बना लूंगी। तो चलिए फिर मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ छत पे, और आज हवा बहुत ही तेज चल रही है। कपड़े जो मैंने डाले थे सारे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए सारे कपड़े यहाँ से वहाँ तक सब इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर मैं पहले कपड़े उतार लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। पे मैंने उतार लिए हैं और खाना खुना खाया, तो लिपस्टिक ऐसी सी हो गई है, छूट गई है। खाना खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं, रसोई साफ हो गई है। और आज हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, ऐसा लगता है ना जैसे तूफान आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। देखिए कैसे उड़ रहा है सब, इससे पता चलता है ना कि ठंड आ गई है। गर्मियों के टाइम में हमें हवा की ज़रूरत होती तो हवा नहीं मिलती है, लेकिन सर्दी जब आने लग रही है तो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। और मेरे कपड़े कुछ जो थे वो उड़ के उस तरफ चले गए थे छत पे, तो वो अभी मैंने उतारे हैं और बहुत ही मुश्किल से उतारे हैं। और यहाँ पर देखिए पौधे लगे हुए हैं, गमले लगे हुए हैं, और एक ये छोटा सा ये है गुलाब का, वाइट गुलाब, इस पे आते हैं फूल। लेकिन एक है जो रेड वाला गुलाब है वो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, वो शायद से सूख गया है, उस पे फूल नहीं आते थे। और यहाँ पर देखिए आप लोग, चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं, और ये तुलसी
तुलसी जो है हमने सिर्फ एक ही पेड़ लगाई थी, लेकिन सारे गमलों में तुलसी हो गई है, सारे में। सिर्फ 1, 2, 3, 4 चार गमलों को छोड़कर बाकी सब में हो गया है। और ये इधर लगा हुआ है एक मनी प्लांट, अंदर भी वहाँ पर लगा रखा है मोंटी में। और इधर देखिए ये भी सारी तुलसी लगी हुई है, और ये सारी अपने आप ही लग गई है, किसी ने इसको लगाया नहीं है, सिर्फ हमने एक गमले में लगाया था। और वो गमला है शायद से ये वाला गमला है जिसमें हमने लगाया था, बाकी सब में अपने आप ही हो गया। तो कोई टाइम ऐसा होता है जब तुलसी एकदम से सूख जाती है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि तुलसी अपने आप ही लग जाती है। और यहाँ पर एक एलोवेरा का पेड़ भी लगा रखा है, पेड़ नहीं मतलब कि पौधा लगा रखा है। और एलोवेरा के जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता होंगे होगा। तो आप लोगों को मेरी तुलसी के पेड़ कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मौसम देखिए कैसा सा हो रहा है, एकदम से बहुत हवा चल रही है, बदल बदल सा हो रहा है, बदल देखिए कैसा सा है। सूरज देवता तो लग रहा है छुप ही गए हैं कहीं पर। ऐसा सा मौसम होता है, गर्मियों में होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सर्दी के टाइम में तो बस ठंड बढ़ सी जाती है। और ये है चूल्हा, यहाँ पर पानी गर्म होता है सर्दियों के टाइम में, मतलब कि अब 2-3 दिन से शुरू हो गया है पानी गर्म करना यहाँ पे। और ये चूल्हा जो है वो बनाना है अभी, यहाँ से देखिए ये सारा टूट गया है तो ये बनेगा अभी। तो और ये जो लगा हुआ है तोरी का पौधा है, ये हमारे घर पे नहीं है, बड़े मम्मी के घर पे है। ये देखिए जूम करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये लगे हुए हैं तोरी, और उधर भी लगे हुए हैं, शायद से आप लोगों को दिख रहा होगा, वो लगे हुए हैं 2। नो बेटा अरमान, तो अरमान भी आ गया है छत पे, वो देखिए। और वो मना कर रहा है कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, कह रही है कि आज मैडम ने मुझे मना कर दिया, ना करो बेटा। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का आज यहीं पर एंड कर रही हूँ, नहीं करो अरमान। तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको पूड़ियाँ कैसी लगी और मेरे तुलसी के पौधे कैसे लगे। नहीं बेटा छुट्टी नहीं है। तो चलिए फिर बाय फ्रेंड्स, और अरमान को छुट्टी की लगी हुई है। और आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट नहीं, गुड आफ्टरनून। और ये रहा अरमान, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।